नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं देश और विदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि राज्यसभा के 225 सांसदों में 27 यानी 12% अरबपति है। अरबपति सांसदों में सबसे ज्यादा संख्या भाजपा के सांसदों की है। 225 में बीजेपी के 85 सांसद हैं, जिसमें 6 यानी 7% सांसद अरबपति हैं। कांग्रेस के 30 सांसदों में 4 यानी 13% अरबपति हैं। भारत में नशे की महामारी को लेकर गंभीर आंकड़े सामने आए हैं। एक सर्वे में पता चला है कि देश में नशा करने वालों की संख्या 37 करोड़ के पार चली गई है। ये संख्या दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश अमेरिका से अधिक है। इसी के साथ ही नशे करने वालों में शराब पीने वालों की संख्या 16 करोड़ तक पहुँच गई है, जो रूस की आबादी के बराबर है। हिमाचल प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से भारी बारिश जारी है। इस मॉनसून सीजन 55 दिनों में 113 बार लैंडस्लाइड हुई। बारिश और लैंडस्लाइड से जुड़ी घटनाओं में करीबन 330 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन की एक नर्स को 7 नवजात बच्चों की हत्या करने और 6 अन्य की हत्या करने की कोशिश करने का दोषी पाया गया है। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने शुक्रवार को कहा कि नर्स को मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट में सजा सुनाई जाएगी। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। शुक्रवार करीब 5:30 बजे कुकी गांव में गोलीबारी हुई, जिसमें गांव के 3 वॉलंटियर के मारे जाने की खबर है। लद्दाख के कारगिल जिले में शुक्रवार को कबाड़ी की दुकान के अंदर एक संदिग्ध वस्तु के धमाका होने की 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य लोग इसमें घायल हो गए। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कल शुक्रवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 202 अंक की गिरावट के साथ 64,948 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी भी 55 अंकों की गिरावट देखने को मिली, जो 19,310 के स्तर पर बंद हुआ। कनाडा के जंगलों में एक बार फिर से आग लग गई है। रॉयटर के मुताबिक येलो नाइफ शहर में सभी 20,000 लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के आदेश दे दिए हैं। बता दें, इस साल कनाडा के जंगलों में सबसे भयानक आग लगी है। फिलहाल सुबह की मुख्य खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।